मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास दो इनोवा है। कभी मैं फॉर्चूनर से न चला हूं न चलूंगा, क्योंकि फॉर्चूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। तो मेरे पास फॉर्चूनर नहीं है और न मैं फॉर्चूनर से चलता हूं। तो फॉर्चूनर ली क्यों गई? मुझे तो ये भी नहीं जानकारी है, तो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि फॉर्चूनर दिए हैं। आप बताओ, किसी को अगर गिफ्ट दिया गया हो, प्रसाद दिया गया हो, और वो प्रसाद हाथ से छोड़ लिया जाता है क्या? नहीं, दिया गया कि नहीं हमको नहीं जानकारी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अच्छा, चोरी के बाद जब पुलिस चोर को उठा के ले आती है थाने में, तो पूछती है तुम चोरी किए हो, तो कहता है कि हम चोरी किए हैं। जब दस सोटा मारती है ना, तब कहता है हाँ सर, हमसे गलती हुई, हमने चोरी किया है, तो बात कर। अब बताइए, जो फॉर्चूनर केशवदेव मौर्या को दिए थे अखिलेश जी, केशवदेव ने दिया 10 तारीख को, रिजल्ट आया 10 मार्च को, अब 12 मार्च को लौटा दिए। उसी तरह संजय चौहान ही थे ना, संजय चौहान जी ने फॉर्चूनर दिए चलने के लिए अखिलेश जी, वो भी लौटा दिए। इनके पास फॉर्चूनर पड़ा है आज 1 साल से, इनको पता नहीं है, उसी पर चल रहे हैं। वो गाड़ी का नंबर भी हमको याद है, मतलब उनको नहीं याद होगा, मतलब कि गाड़ी लेने के बाद वो बदल गए। UP 32 MK 9290 उनकी फॉर्चूनर का नंबर था जिससे वो चलते थे। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं 24 टाइम्स टुडे। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। अभी ओम प्रकाश राजभर के राइट हैंड माने जाने वाले शशि प्रताप सिंह इस समय सुभाषपा के दामन छोड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। फिलहाल ये अपनी स्वयं की पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया है। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर किन कारणों से ओम प्रकाश राजभर का नाम और दामन इन्होंने दोनों छोड़ दिया है। फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ओम प्रकाश के राइट हैंड दाहिना हाथ कहे जाने वाले शशि प्रताप सिंह फिलहाल अपनी पार्टी बना चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार सर। ऐसा होता है कि जब भी कोई पार्टी किसी को या तो निकाल देता है या तो स्वयं से निकल जाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुभाषपा पार्टी आपको निकाली है या आप स्वयं से निकले हैं किसी नीति या किसी कारण से? देखिए, सुभाषपा पार्टी ने मुझको निकाला जी, मुझे निकाला, बहुत बेइज्जत करके निकाला। 17.5 साल में लक्ष्मण की तरह उनके साथ रहा, और आज भी सारे चैनल और मीडिया के लोग कहते हैं कि आप तो लक्ष्मण की तरह उनके साथ रहते थे 24 घंटा, और उन्होंने निकाल दिया मुझे पुत्र मोह में जी। तो राम जब तक रहे तब तक मैं लक्ष्मण बन के रहा, जब वो धृतराष्ट्र हो गए और उनके दुर्योधन दुशासन हो गए, उन्होंने मुझे पांडव बना दिया, मुझे अर्जुन बना दिया, और कहा कि अब हमारे पार्टी में तुम्हारे लिए एक नाम भी नहीं, और मुझे निकाल दिया। सही नाराजगी आपसे? नहीं, नाराजगी नहीं है। अच्छा, ही बताइए, आप तो कह रहे हैं ना कि वो कहते थे कि मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है जी। जो झूठा होता है ना, वही दूसरे को झूठा कहता है। जो चोर होता है दूसरा सामने वाला व्यक्ति भी उसको चोरे समझ में आता है, तो जो सबसे बड़ा झूठा रहा वही दूसरे को सबसे बड़ा झूठा कहता रहा। तो ये बताइए कि आपने अभी एक मीडिया में अपना बयान दिया था कि मैं उनको इतना मतलब कि सपोर्ट कर चुका हूँ कि वे पैसा लेकर टिकट देते थे। अच्छा, एक चीज बताइए कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ जी, उसके बाद वो विधायक बने। एक विधायक को महीने में 2 लाख रुपए के आसपास तनख्वाह मिलती है, और 5 साल तक वो रहे, तो सरकार ने उनको 2 लाख रुपए के हिसाब से 5 साल मतलब 60 महीने में कितना दिया होगा, 1.5 करोड़ रुपया दिया होगा। उसी में घर चलाना, परिवार चलाना, सारा सिस्टम चलाना, पार्टी चलाना। उसके बाद से 5-5, 6-6 रुपये फॉर्चूनर कहाँ से उनके पास आ गया। 50 रुपये 60 रुपये मीटर कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति 3,000-4,000 रुपये मीटर कपड़ा पहन रहा, वो पैसा कहाँ से आया। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये का जूता पहनते रहे, वो कहाँ से आया। आखिर कहने की, जबकि उनके पास एक पान का दुकान भी नहीं है, एक परचून का भी दुकान उनके पास आज के डेट में नहीं है। उसके बाद लखनऊ में बहुत ज़्यादा 5 साल में 2 या 3 बार गया,
दो या तीन बार जब जब मैं गया तो नए फ्लैट में उनको देखा, तो मैं तो पूछा नहीं कि फ्लैट कहाँ का, किराए का ही खरीदे हैं। और किराए का भी हुआ तो लखनऊ में 50,000-60,000 रुपये का किराया आता है, मतलब तो पैसा कहाँ से आया ये तो समझने बूझने की बात है। मेरे बताने क्या जरूरत है कि आप कि वो टिकट पैसा लेके देते थे कि नहीं लेके देते थे, ये तो सीधा सीधा सामना ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, आप इतने लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे हैं, शायद आपकी नाराजगी इसलिए रहा होगा क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, शायद आपकी यही नाराजगी तो नहीं ना। और सिंहपुर विधानसभा से पुत्र मोह में आपने बताया कि अपने बेटे अरविंद राठौर को चुनाव लड़ा दिए थे। नाराजगी सरासर गलत है कि मैं नाराज रहा अपने टिकट के लिए, मैं नाराज रहा अपने टिकट के लिए नहीं। जो पार्टी के और नेता बनारस में हैं जिन्होंने सिंहपुर विधानसभा में अपनी तैयारी 5-7, 6-7, 7 साल से करते आ रहे थे और कई लाख रुपया जिनको टिकट देने के लिए कह कर कि अगली बार आपको चुनाव लड़ाएंगे हम, उससे खर्चा करवा दिए थे, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिए लास्ट में, तो बताइए उसके ऊपर क्या बीतेगा। तो हम जिस दल में थे उस दल में सारे लोग हमारे बहुत नज़दीकी और करीबी थे, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी थे, उसी तरह सारे दल के नेता थे, प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिले के नेता। तो किसी पर दुख अगर होगा तो हमको उनका साथ देना चाहिए ना, कार्यकर्ताओं के दम पर ही कोई पार्टी होती है ना, कार्यकर्ताओं को ही धोखा देंगे आप तो हमारा ये काम नहीं होता है कि मैं पिछलग्गू बन किसी के पीछे घूम घूम कर जय जयकार कर कार्यकर्ताओं को छोड़ दूँ। मैंने कार्यकर्ताओं के लिए जिनको इन्होंने धोखा दिया उनके लिए हमने पार्टी छोड़ दिया कि राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद जो एक पनप रहा, अपने लड़के को चुनाव लड़ना, बार बार लड़के को चुनाव लड़ाना, MLC का टिकट के लिए अखिलेश यादव से झगड़ा करना, अखिलेश यादव को बाद में छोड़ देना, कल ही आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि मैं BJP के समर्थन में खड़ा हूँ राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये वो इस टाइप के व्यक्ति हैं जो 2017 में भाजपा के साथ लड़के 18 महीने मंत्री रहे और भाजपा को छोड़ दिए और घूम घूम कर कहते रहे कि मैं थूक दिया, कभी उधर नहीं जाऊँगा, अब फिर भाजपा के यहाँ चले गए वही चाटने के लिए। तो ऐसे लोगों के साथ जिसका कोई चरित्र ही ना हो, राजनीतिक चरित्र ना, उसके साथ रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपको आप भाजपा उनका जो है कि बार बार भाजपा से प्रेम दिख रहा है, सब गठबंधन सपा से है और प्रेम भाजपा से दिख रहा है, कहीं ये इसकी भी तो नाराजगी नहीं ना आपको? इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता है वो आप बता सकते हैं? बिना पैनी के लोटा ये ना कहा जाएगा कि सपा से धर्म से गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं और भाजपा के थाली में जाकर खाना खा रहे हैं, तो क्या कहिए, कोई नेता का चरित्र होता है? अच्छा, आपने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी उन्होंने बना दिया, तो ये बताइए कि एक कब आपको एक महीने में पहले ही पता चला कि वंशवाद परिवारवाद है? इसके पहले भी तो आप पार्टी छोड़ सकते थे। देखिए, मैं पार्टी, आपके सवाल जायज है, मैं पार्टी छोड़ सकता था। मैं उनको बार बार समझाने का प्रयास किया कि देश बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है, देश के लोग बदल रहे हैं और परिवारवाद से हटी है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में हमारे परिवार से एक ही आदमी लड़ेगा। उन्होंने कहा था, मेरे से एक बार नहीं, कम से कम 100 बार बात हुई थी। और बनारस में अगर सिंहपुर विधानसभा मिलेगा तो अपने पार्टी का संगठन का कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पूछे थे उनसे, ओम प्रकाश राजभर से, कि उनको अखिलेश यादव ने स्वयं से फॉर्चुनर दिया था, तो ये बात को कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अच्छा, चोरी के बाद जब पुलिस चोर को उठा के ले आती है थाने में तो पूछती है तुम चोरी किए हो तो पता है कि हम चोरी किए हैं? जब 10 छोटा मारती है ना तब कहता हाँ सर हमसे गलती हुई, हमने चोरी किया है, माफ कर दीजिए। अब बताइए, जो फॉर्चुनर केशवदेव मौर्या को दिए थे अखिलेश जी, केशवदेव ने दिया 10 तारीख को, रिजल्ट आया 10 मार्च को, अब 12 मार्च को लौटा दिए। उसी तरह संजय चौहान ही थे ना, संजय चौहान जी ने फॉर्चुनर दिए चलने के लिए अखिलेश जी, वो भी लौटा दिए। इनके पास फॉर्चुनर पड़ा है आज 1 साल से, इनको पता नहीं है, उसी पर चल रहे हैं, वो गाड़ी का नंबर भी उनको याद है, मतलब उनको नहीं याद होगा, मतलब कि गाड़ी लेने के बाद वो बदल गए। UP 32 MK 9290 उनकी फॉर्चुनर का नंबर था जिससे वो चलते थे। तो प्रेस वालों को पूछना चाहिए था ना, तो प्रेस वालों की कमी है ना, जो झूठ बोल रहे हैं उनको बताएं।
जी आपके घर में अगर कोई गाड़ी अगर पड़ी गई रात दिन रहेगी, एकाएक कोई गाड़ी आपके घर में खड़ी हो जाए तो आप पूछेंगे किसी गाड़ी है? इसका मतलब अगर उनको मालूम नहीं था कि वो गाड़ी हमारे घर में खड़ी है और गाड़ी से हमारे लड़के चल रहे हैं या पार्टी का कर्ता चल रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर होता है कि उनके पास अनगिनत गाड़ियां होंगी, तभी एक गाड़ी उनको समझ में नहीं आ रही होगी। अरे आता जाता सैकड़ों गाड़ी, हमारे पास एक गाड़ी का क्या मतलब है? राजनीति में पैदा वो बहुजन समाज पार्टी की गोद में हुए, बहुजन समाज पार्टी में वो विधानसभा चुनाव भी लड़े एक पिंडरा, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए तो बहुजन समाज पार्टी को कई साल तक गाली दिए वो। उसके बाद कांग्रेस से 2005 में गठबंधन किए, कांग्रेस ने जब उनको 4 सीट देने की बात कही तो उसको भी छोड़ दिए और उसको भी गाली दिए। उसके बाद वो पीस पार्टी के पास गए, फिर कौमी एकता, फिर भागीदारी मोर्चा, फिर भागीदारी संकल्प मोर्चा, सबको बना बना के धोखा देते 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 हमको क्या धोखा देंगे वो, हमको धोखा नहीं कोई दे सकता। उसके बाद भाजपा से 2017 में हमने गठबंधन करवाया उनका इसी बनारस के नेता के जरिए, और भाजपा में भी 18 महीना रहने के बाद उसको भी 3-5 करके आया। उसके बाद भाजपा से निकलने के बाद जितनी घटनाक्रम है सबको पूरे उत्तर प्रदेश के एक आदमी को मालूम है कि उन्होंने कितना घंटा बजवाया बाबा जी से और कितना उन्होंने अभद्र तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बोला, ये सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा मेरा मुंह गंदा होगा, मतलब उस समय उनका विरोध नहीं किया इसका? मैं समझाता रहा, देखिए कुछ भी हो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरा काम था समझाना, मैं उनको बहुत समझाता रहा। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि मैं राम को नहीं मानता हूँ केवल अम्बेडकर को मानता हूँ, जब उन्होंने कहा महादेव को मैं नहीं मानता हूँ केवल अम्बेडकर को मानता हूँ, जब उन्होंने कहा कि सावन के महीने में जो जल झाड़ने के कांवरिया चलते हैं वो गजेरी भंगेरी हैं, सब गांजा पीते हैं सब, उसके बाद उन्होंने कहा कि कुंभ का मेला जो लगता है उसमें सारे बाबा संत सन्यासी महात्मा कहाँ कहाँ से आते हैं देश दुनिया से विदेशों से, वो भी गजेरी भंगेरी है। तो भाई अब सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ तो इतना तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लास्ट में अंतो करता हूँ, मुझे हाथ जोड़ना पड़ा, अलविदा करना पड़ा कि अब मैं नहीं रह पाऊंगा, आप जाइए। आज भी मैं बता रहा हूँ यह देश केवल दलित और पिछड़ों का नहीं है, यह अग्रे भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, भुईयार भी हैं, लाला भी हैं, बनिया भी हैं, लेकिन कल तक उन्होंने कहा है, आज भी वो कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे कि मैं दलित और पिछड़ों का नेता हूँ, दलित और पिछड़ों का नेता हूँ, दलित और पिछड़ों का नेता हूँ। अगल बगल उनके अगल बगल अगले बिरादरी के लोग बैठे रहते हैं हंसते हैं, उन लोगों को शर्म भी नहीं आता है कि अपने नेता से एक बार कहें कि अरे महाराज हम तो अगले बिरादरी के हैं, मेरी पार्टी राष्ट्रीय समता पार्टी जाति बिरादरी धर्म मजहब से उठकर राष्ट्र हित में यह पार्टी बनी है और क्या राष्ट्र हित की बात करेगी। अगर आप उनकी चर्चा न की होते तो शायद मैं उनका नाम भी अपने जुबान पर नहीं लिया था। आपको पूछा जाए राष्ट्रीय समता पार्टी क्या करेगी तो मैं बताता क्या करेंगे, लेकिन आप उन्हीं से शुरू कर दिए इसलिए मुझे जवाब अभी हम जवाब नहीं देंगे हम आपको, तो आप कहेंगे कि आप कतरा रहे हैं तो भाग रहे हैं, तो आपकी गलती है इसमें, तो आपने गलती किया है, आपने राष्ट्रीय समता पार्टी का गठन किया तो बताइए इस बार आपका क्या राय होगा, क्या मुख्य उद्देश्य होगा? देखिए हमारा उद्देश्य लेके चलते चलते भटक जाते हैं रास्ते से। देखिए वो तो भटके हुए व्यक्ति हुई है, वो तो पार्टी जब बनाए थे ना तो पार्टी के फाउंडर मेंबर जैसे देश के राष्ट्रपति देश के पहले व्यक्ति होते हैं, वैसे सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के पहले व्यक्ति बगल में बैठे हैं राजकुमार गुप्ता जी, ये बगल में बैठे पहले थे और ओम प्रकाश राजभर जी दूसरे व्यक्ति थे, पार्टी इन्होंने बनाई और इन्होंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पहला ईंट उस घर का इन्होंने रखा है, दूसरा ईंट ओम प्रकाश राजभर जी ने रखा है। ये राजकुमार गुप्ता जी हैं, वो बहुत बढ़िया से जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश इनको जानता है, सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता इनको जानता है, जब इनके वो नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? तो 19 साल उनको समय दिए, हम तो कम से कम 17.5 साल समय दिए हैं, और राष्ट्रीय समता पार्टी 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। 11 तारीख को मैंने पार्टी बनाई और कहा कि आज मैं ऐलान करता हूं कि राजनीति से परिवारवाद को खत्म करने का जंग की शुरुआत आज यहाँ हो रही है, और इसको जब तक उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के कान में नहीं पहुंचा दूंगा और जुबान पर नहीं ला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा बताइए कि सुभाषपा जो पार्टी है तो आपने दामन शशि प्रताप सिंह के साथ ही छोड़ा या पहले ही छोड़ दिया था सुभाषपा ने? हमने तो 2002 में ही पार्टी को बनाया था और
इस उद्देश्य से बनाया था कि चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव चुनाव नहीं लड़े, वो पार्टी में उसको मंचों से बोला जाता है, हर जगह आता है। तो जो 2012 है, 2002 से 2012 तक कई चुनाव हुआ, वो चुनाव नहीं लड़े। जब 2012 में वो खुद लड़ने की इच्छा की और खुद नहीं बल्कि कहे कि हमारी पत्नी भी लड़ेंगे, और बच्चे बहुत छोटे थे, लड़ने की एज विधानसभा की नहीं थी, नहीं तो हो सकता उसी समय बच्चे की बात करें। उसी समय 2012 में ही हमने तय कर लिया कि ये तो पार्टी का मिशन भटक गया। जहाँ होता था कि समाज के लोगों को, निचले समाज के लोगों को लोकसभा विधानसभा में भेजना है, एक परिवर्तन लाना है, वहीं से उन्होंने टिकट मांगना शुरू किया कमेटी में। और जैसे ही उन्होंने टिकट की अपनी बात कहा कि हमें टिकट लड़ाया जाए, जहूराबाद से कौमी एकता दल से गठबंधन किया, उसी समय हम सारे राष्ट्रीय कमेटी के लोगों ने नाराज हो गए। मैंने दो मुद्दा को आगे रखा है, राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करो पूरा करो। मैंने वादा किया है कि महिलाओं को 50% हम व्यवस्था देंगे, और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को बना दिया श्री वंदना सिंह को, और मैं चाहता तो मैं खुद अध्यक्ष बन सकता था इस पार्टी का, लेकिन मैं अध्यक्ष न बना, नहीं होगा। मैं केवल परिवारवाद को, भारत में जितनी पार्टियां हैं सारे पार्टियों में जो परिवारवाद वंशवाद चलता आ रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हमको करना हमारा मकसद है। और राइट टू प्रॉमिस के मुद्दे को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राज्यपाल और राष्ट्रपति तक जाऊंगा कि इस कानून को लाया जाए कि जो पार्टियां चुनाव के पहले फुलझड़ी छोड़ती हैं, 100-100 वादे करती हैं, काम एक नहीं करती हैं, वैसे पार्टियों को अगली बार चुनाव लड़ने से रोका जाए। जो निर्दल विधायक या विधायक गांव में जाकर लोगों को लोक लुभावन भाषण देकर और वादा करके चले आते हैं और फिर अगली वो काम पूरा 5 साल में नहीं करते हैं, वैसे लोगों को चुनाव से रोका जाए। यही हमारा दो प्रमुख मुद्दा है। परिवारवाद, वंशवाद, पार्टी तो मैंने बनाई, पार्टी हमारे नाम स्वरूप जान रहे बनारस में या कहीं भी, लेकिन मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं, यही इसकी शुरुआत है। अभी देखिए इस वक्त राष्ट्रीय समता पार्टी जी ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर की नीति इतनी गंदी थी, इतनी गलत थी कि आज हमें स्वयं की पार्टी बनाना पड़ा, और उसके बाद उनकी पार्टी हमेशा वंशवाद परिवारवाद से जुड़ी रही, यही कारण है कि वे बिना पीने के लौटा है, कब किधर चले जाते हैं कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।